Hello students, in the last video we have studied the basic definitions of H parameter, transmission parameter, Z parameter and Y parameter. Today we will study the relationship between these parameters. Okay, so first we will start with the relationship between Z parameter and H parameter. Okay, now what we want here, we want that we have to convert H parameter into Z parameter. That means H parameter हमें given है and Z parameter हमें calculate करना है. Okay? That means H parameters के equation हमें पहले लिखने होंगे. H parameters के equation आपके क्या होते हैं? V1 and I2. तो यहाँ पर आपका क्या क्या था? यहाँ पर था आपका I1 and V2. सेम सेकेंड इक्वेशन में भी क्या हो जाएगा I1 V2 प्लस N प्लस सो H11 H12 H21 एंड H22 ओके सो हमने H पैरामीटर्स के इक्वेशन यहां पे राउट डाउन कर लिए नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 ओके नाउ हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है हमें इसमें कन्वर्ट करना है Z पैरामीटर में नाउ Z पैरामीटर Equations are V1 and V2. कितना होता है आपका Z11 I1 plus Z12 I2, Z21 I1 plus Z22 I2. Okay. Equation number 3 and equation number 4. Okay. Now, हमारे पास अब आपके दो H parameters के equation है and दो आपके Z parameters के equation है. Now, हम क्या करना चाहते हैं कि H parameters को हमें Z parameters में convert करना है. इसका use क्या होगा? इसका use ये होगा कि suppose करिए किसी network circuit में हमें Z parameter calculate करने के लिए कहा गया है. लेकिन उस network circuit में H parameter calculate करना हमें बहुत easy लग रहा है. Okay, तो हम क्या करेंगे? उस network circuit का use करके सबसे पहले H parameter calculate कर लेंगे. और by formula, H parameters को Z parameter में convert कर देंगे. Okay, so अब इसके दो methods हैं आपके पास. जो आपका method number 1 है, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें इन चारों equations को एक बार अच्छे से देखना है. अगर हम इन equations को ध्यान से देखें 1, 2 and 3, 4 को, तो आप 1, 2 में से कोई ऐसा एक equation select करिए और 3, 4 में से ऐसा कोई एक equation select करिए जिसमें V1, V2, I1, I2 same हो. हम देख सकते हैं कि V1, V2, I1, I2 में से किसी भी एक इक्वेशन में 3 टर्म्स यूज हुए हैं. जैसे इक्वेशन नंबर 1 में V1, I1 एंड V2 यूज हुआ है. इक्वेशन नंबर 2 में आपका I2, I1 एंड V2 यूज हुआ है. सेम आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में भी 3-3 टर्म्स ही यूज हुए हैं. ओके, सो अब अगर हम 1, 2 और 3, 4 में से एक-एक इक्वेशन चूज करें जिसमें ये तीनों टर्म्स सेम हो आपके, तो वो कौन सा इक्वेशन हो सकता है? जैसे अगर हम 1 को देखें तो 1 में V1, I1 एंड V2 हैं. क्या 3 और 4 में कहीं पर भी V1, I1 एंड V2 हैं क्या? V1, I1, I2 3 में है आपका, 4 में क्या है? V2, I1, I2 तो दोनों में ही नहीं है. ओके, कोई बात नहीं, हम इक्वेशन नंबर 2 को चेक करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में आपका I2, I1 एंड V2 है. तो क्या 3 और 4 में से कहीं पर भी I2, I1 और V2 हमें दिखाई दे रहा है? I2, ओके, I1, ओके, बट यहां पर आपका V1 है, मैच नहीं कर रहा 2 और 3. नाउ 4 को देखें, 4 में I2 है, ठीक है, I1 है और V2 भी है. ओके, हमें मिल गया, हमें मैचिंग इक्वेशन मिल चुका है. यहां पर मैचिंग इक्वेशन है हमारा 2 एंड 4. आप देख सकते हैं 2 में भी I2, I1 एंड V2 है, 4 में भी आपका I2, I1 एंड V2 है. ओके, सो आपका 2 एंड 4 मैचिंग है. अब हमें कौन सा पैरामीटर नोन है यहां पर? हमें H पैरामीटर नोन है. तो जो हमें पता होगा उसी में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें H पैरामीटर के इक्वेशन को ही रीअरेंज करना होगा, ठीक है? तो हमें पता है कि हमें स्टार्ट 2 से करना है क्योंकि 2 एंड 4 आपके सेम है. तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को V2 के फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि 2 एंड 4 को हमें देखना है सबसे पहले और हम 2 को ही रीअरेंज कर सकते हैं. तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम V2 के फॉर्म में लिखें एक बार, तो फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2,
V2 is equal to, तो आप यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से V2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये जो आपका H21I1 है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका I2 माइनस H21I1। ओके नाउ यहां पर अगर हम देखें यहां पर V2 के साथ जो कॉफिशियंट था वो था आपका H22, सो दोनों के दोनों टर्म्स में आपका H22 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय H22 डिवाइड बाय H22। ओके सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो V2 के फॉर्म में आ गया। क्लियर है यहां तक? ओके नाउ अब अगर हम इस न्यू इक्वेशन जो कि आपका इक्वेशन नंबर 5 है उसको अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 4 क्या था आपका, V2 इज इक्वल टू I1 का कोफिशिएंट क्या था आपका Z21। सो यहां पर आप चेक करिए I1 का कोफिशिएंट क्या है आपका, Z21 इज इक्वल टू माइनस H21 अपॉन H22। सो यहां से आपका बाय कंपैरिजन Z21 कैलकुलेट हो गया। नाउ फिर से अगर हम 4 एंड 5 को कंपेयर करें तो जो I2 का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए आपका Z22, तो यहां पर I2 का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 अपॉन H22, सो ये आपका Z22 भी कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स। ओके क्लियर है आपको यहां तक? नाउ दो आपके कैलकुलेट हो चुके हैं दैट इज Z21 एंड Z22, टू आपके रिमेनिंग है ठीक है ना, दैट इज Z11 एंड Z12। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको यह करना होता है वन और टू में से जिस इक्वेशन को आपने मैनिपुलेट किया है, जिस इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया है उस इक्वेशन से जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, तो हमने टू को रीअरेंज किया था उस इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट हुई थी V2, इस V2 की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देना है बस। क्लियर है पॉइंट? आपको मैं फिर से रिमेंबर करवा रहा हूं कि हमें एच पैरामीटर नोन है तो हम रीअरेंज सिर्फ एच पैरामीटर्स को ही कर सकते हैं। ओके तो हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन नंबर टू को रीअरेंज किया और V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। V2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने Z21 एंड Z22 बाय कंपैरिजन कैलकुलेट कर लिया। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, इस V2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है जिससे बाकी के जो रिमेनिंग दो वैल्यूज हैं वो भी हमें कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके सो अब अगर हम इक्वेशन नंबर वन का यूज करें फ्रॉम वन के, नाउ इक्वेशन नंबर वन में हम लोग क्या पुट करना चाहते हैं आपका, हम लोग पुट करना चाहते हैं V2 की वैल्यू। ओके सो क्या हो जाएगा आपका, V1 इज इक्वल टू H11 I1। ओके नाउ नेक्स्ट कितना है आपका, प्लस H12 V2, सो प्लस H12 और यहां पर आपको पुट करना होगा V2 की वैल्यू। सो V2 की वैल्यू क्या है आपकी, I2 अपॉन H22, I2 अपॉन H22 माइनस H21 अपॉन H22, H21 अपॉन H22 इंटू I1, इंटू I1। ओके सो ये आपकी वैल्यू आ गई V1 की। नाउ अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, इस न्यू इक्वेशन को हमें किससे कंपेयर करना होगा जिससे बाकी के दो पैरामीटर्स कैलकुलेट हो जाएं, Z11 एंड Z12 इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करना होगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपका, V1 I1 एंड I2 के टर्म्स में था। आप चेक करिए न्यू इक्वेशन को, V1 I1 एंड I2 बस यही टर्म्स हैं, बस अभी हमें रीअरेंज करना होगा इसे। सो V1 इज इक्वल टू H11 I1। ओके इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें सो ये कितना हो जाएगा, माइनस H12 H21 अपॉन H22 I1। ओके नाउ प्लस H12 अपॉन H22 I2। ओके सो ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया है जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 6 के नाम से जानेंगे। नाउ अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं, एक्चुअली 3 को कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 को, तो आप देख सकते हैं कि जो I1 का कोफिशिएंट है वो है आपका Z11। सो I1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, Z11। सो Z11 इज इक्वल टू H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H22। ओके सो दिस इज योर Z11। क्लियर है यहां तक? तो हमारे तीन टर्म्स यहां पर कैलकुलेट हो चुके हैं।
Now next term is Z12. So Z12 जो है, अगर मैं फिर से comparison करूं equation number 3 से, so I2 का coefficient होगा आपका Z12. So यहां पर आपका I2 का coefficient क्या है हमारा? I2 का coefficient यहां पर है आपका H12 upon H22. So ये हो गया आपका Z12. Okay? So यहां आपके चारों के चारों parameter Z11, Z12, Z21 and Z22 ये आपके calculate हो गए हैं in terms of Z, in terms of H parameters. Okay? Now, ये था आपका method number 1, जिससे हमने क्या किया? H parameters को Z parameter में convert कर दिया. ठीक है? अब इसका एक method number 2 भी है. Method number 2 क्या है आपका? Suppose करिए अगर आपको method number 1 tough लग रहा होगा, तो method number 2 क्या है? By definitions. हमें calculate क्या करना है? हमें calculate करना है Z parameters को. Okay? So, Z parameters की definition क्या-क्या होती है? अगर हम उसके फिर से equation लिख दें, तो V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 कितना होता है आपका? Z21 I1 plus Z22 I2. Okay? ये हो गया आपका equation number 1, equation number 2. Now, अगर मैं H parameter के equation में लिख दूं यहाँ पर, तो H parameter के equation क्या होते हैं आपके? V1 and I2 के equation होते हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके? H11 I1 plus H12 V2 equal to H21 I1 plus H22 V2. तो ये हमारे equation हो गए V1 and I2 के. Suppose करिए अगेन मैं इसे 3 and 4 दे रहा हूँ. Okay, now, मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? अब बाय डेफिनेशन जाएंगे, मतलब हमें कैलकुलेट क्या-क्या करना है? Z11 Z12 Z21 एंड Z22. ओके, आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए. अगर आप लोग I2 को 0 करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से आपको कैलकुलेट हो जाएगा Z11, दैट इज V1 अपॉन I1. आपने किसको 0 किया है यहां पर? I2 को आपने 0 कर दिया है. ठीक है? और इक्वेशन नंबर 2 से क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका? अगर आप I2 को 0 करते हैं, Z21 कैलकुलेट हो जाएगा आपका. क्या हो जाएगा? V2 अपॉन I1. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हैं रीअरेंज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि वो हमें नोन है. हमें कैलकुलेट करना है 1 और 2 का यूज करके. ओके, 1 एंड 2 में हमें Z11, Z12, Z21 एंड Z22 कैलकुलेट करना है. इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम रीअरेंज कर सकते हैं. तो अगर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में हम I2 की वैल्यू 0 करें और V1 upon I1 and V2 upon I1 कैलकुलेट कर लें, तो हमें Z11 and Z21 कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में पुट I2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो फ्रॉम 3 एंड 4 I2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका इक्वेशन नंबर 3 में I2 का कोई टर्म नहीं है, तो आपका एज इट इज हो जाएगा. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. Equation number 4 में आपका I2 का term है, तो I2 को क्या put करेंगे? 0. So 0 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Now, आपको Z11 के लिए क्या करना था? V1 upon I1. Okay. So, V1 upon I1 आप चेक करिए, कहीं से निकल सकता है क्या? Yes, V1 upon I1 आपको equation number 1 में दिखाई दे रहा है. But अगर आप first equation में V1 upon I1 calculate करना चाहते हैं, तो आपको V2 को eliminate करना होगा. तो V2 को eliminate हम इस second equation से कर सकते हैं. आप second equation से अगर V2 की value calculate करें यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा answer? Minus H21 I1 upon H22. ओके, अब इस वैल्यू को अगर आप लोग यहां पुट कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा? V1 is equal to H11 I1 minus H12 H21 I1 upon H22. ओके, सो इससे आपका क्या कैलकुलेट हो गया है? V1 and I1. V1 is equal to H11 I1 minus H12 H21 I1 upon H22. So, आप जानते हैं कि V1 upon I1 जो होता है, वो आपका क्या होता है? Z11 with I2 is equal to 0.
सो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, एच वन वन एच टू टू माइनस एच वन टू एच टू वन अपॉन एच टू टू. ओके, सो दिस इज योर जेड वन वन. अगर हम लोग मेथड नंबर वन के जेड वन वन से इसे कंपेयर करें, सो वो क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं मेथड नंबर वन में जो आपका जेड वन वन था वो था एच वन वन एच टू टू माइनस एच वन टू एच टू वन अपॉन एच टू टू. सो अगर आप चेक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर आया आपका. ओके, सो अगर आप मेथड नंबर वन यूज करते हैं तब भी आंसर आप निकाल सकते हैं, मेथड नंबर टू यूज करते हैं तब भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है पॉइंट यहां तक हमें? ओके, नाउ नेक्स्ट आई टू को जीरो करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे यहां पर, जेड टू वन विच इज वी टू अपॉन आई वन. सो अगर इक्वेशन नंबर थ्री और फोर में जो हमने आई टू को जीरो किया है, मतलब ये दो इक्वेशन जो आपके हैं इन्हें हम फिर से ध्यान से देखें, तो अब हमारा टारगेट जो है वो है वी टू अपॉन आई वन का. आप देखिए, यस ये इक्वेशन हमें डायरेक्टली दे रहा है वी टू अपॉन आई वन, आप देख सकते हैं. तो इस इक्वेशन से हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, जेड टू वन कितना हो जाएगा हमारा, माइनस एच टू वन अपॉन एच टू टू. ओके, सो अगर हम इसे मेथड नंबर वन के जेड टू वन से कंपेयर करते हैं तो कितना आया था हमारा, जेड टू वन आया था माइनस एच टू वन अपॉन एच टू टू. बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. ओके, नाउ अब अगर हमें नेक्स्ट टू पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं तो हमें आई वन को जीरो पुट करना होगा. आई वन को जीरो पुट करते ही हमें जेड वन टू एंड जेड टू टू कैलकुलेट हो जाएंगे. ओके, सो व्हेन आई वन इज इक्वल टू जीरो देन आपका एक पैरामीटर यहां से कैलकुलेट हो जाएगा जेड वन टू विच इज वी वन अपॉन आई टू, जेड वन टू विच इज वी वन अपॉन आई टू, एंड सेकेंड पैरामीटर आपका कैलकुलेट हो जाएगा जेड टू टू विच इज वी टू अपॉन आई टू. ओके, सो हम लोग अब फिर से क्या करेंगे, फ्रॉम थ्री एंड फोर, इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर हम लोग पुट करेंगे आई वन इज इक्वल टू जीरो. सो अगर हम आई वन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं थ्री एंड फोर में तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म जो है एच वन वन आई वन एंड एच टू वन आई वन ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. बस बचेगा क्या आपका, वी वन इज इक्वल टू एच वन टू वी टू. सो वी वन इज इक्वल टू एच वन टू वी टू, और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या बच जाएगा यहां पर, अगेन अगर आप आई वन को जीरो पुट करते हैं तो आई टू इज इक्वल टू एच टू टू वी टू. सो आई टू इज इक्वल टू एच टू टू वी टू. ओके, नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है जेड वन टू के लिए, जेड वन टू के लिए हमें कैलकुलेट करना है वी वन अपॉन आई टू, वी वन अपॉन आई टू. ओके, सो आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपको वी वन अपॉन वी टू मिलेगा, ठीक है. सेकेंड से आपको क्या मिलेगा, आई टू इज इक्वल टू एच टू टू वी टू, तो आई टू अपॉन वी टू मिलेगा. बट अगर आप लोग दिस फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दें तो आपको डायरेक्टली वी वन अपॉन आई टू मिल जाएगा, तो वन बाई टू, क्योंकि वी टू वी टू यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, एच वन टू अपॉन एच टू टू. सो दिस इज योर जेड वन टू. अगर अब हम इसे कंपेयर करें मेथड नंबर वन के जेड वन टू से, तो मेथड नंबर वन में जेड वन टू आया था एच वन टू अपॉन एच टू टू, यहां भी हमारा सेम आंसर आ रहा है. सो अगेन आपका जेड वन टू भी करेक्ट कैलकुलेट हुआ है. नाउ लास्ट जो है आपका वो है जेड टू टू विच इज वी टू अपॉन आई टू. तो आप देख सकते हैं वी टू अपॉन आई टू आपको सेकेंड इक्वेशन से मिल रहा है यहां पर. सो वी टू अपॉन आई टू दैट इज जेड टू टू कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन एच टू टू. ओके, सो ये आपका कैलकुलेट हो गया है यहां पर जेड टू टू. ओके, सो इस तरह से हम लोग चाहे हम लोग मेथड नंबर वन यूज करें चाहे हम लोग मेथड नंबर टू यूज करें, हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर होगा ये एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से. अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल लूंगा ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, गुड बाय.